बलरामपुर मिशन शक्ति अभियान के तहत एंटी रोमियो का चलाया गया अभियान। मिशन शक्ति अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों में गठित पुलिस एंटी रोमियो टीम द्वारा सार्वजनिक स्थल, बाजार, चौराहों आदि पर भ्रमण कर महिलाओं बालिकाओं को किया गया जागरूक। सिद्धार्थनगर में अगस्त क्रांति देश की आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में सिद्धार्थनगर में आज सपा कार्यकर्ताओं ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ के चिरमिरी में फंड के अभाव में चिरमिरी नागपुर हाल्ड न्यू रेल लाइन परियोजना कार्य पड़ा अधर में। छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार के फंड रिलीज न करने के कारण आज 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। अभी तक इस परियोजना में जो पैसे छत्तीसगढ़ शासन से मिलने थे वो आज तक न मिलने के कारण ये परियोजना का कार्य अटका है। बिहार में हुए राजनीतिक उठापटक के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर डुमरियागंज से भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता के साथ किया छल। मुख्यमंत्री कांवड़ियों पर फूल की वर्षा कर रहे हैं, लेकिन फरुखाबाद के गलारपुर में प्रधान कांवड़ियों पर लाठियां बरसा रहा है। मुख्यमंत्री के आदेश की उड़ रही धज्जियां। उत्तर प्रदेश के कासगंज में भाजपा जिलाध्यक्ष केपी सिंह सोलंकी के नेतृत्व में निकाली बाइक तिरंगा यात्रा। कासगंज में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर विशाल तिरंगा यात्रा का किया गया आयोजन, जिसमें भाजपा के सभी मोर्चा प्रकोष्ठ व अन्य सभी सम्मानित बंधुओं ने सहभागिता की। आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पर तिरंगा रैली का किया गया आयोजन। इस तिरंगा रैली की अगुवाई प्रदेश के अल्पसंख्यक वक्त और हज मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने की। राजस्थान के बारा अटरू में विधायक ने जनसुनवाई कर किया पट्टों का वितरण। अटरू मुख्यालय के नगरपालिका परिषद में आने वाले भूखंडधारियों को विधायक पानाचंद मेघवाल के मुख्य आतिथ्य एवं प्रधान वंदना नागर की अध्यक्षता में पट्टे वितरित किए गए। हर घर तिरंगा अभियान LED जागरूकता रथ को जिलाधिकारी ने दिखाई हरी झंडी, रैली को किया रवाना। LED जागरूकता वाहन द्वारा तीनों तहसीलों में प्रमुख चौराहों, बाजारों, ग्राम पंचायतों में जाकर घर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने को किया गया जागरूक। अयोध्या में स्वतंत्रता सेनानी राजबली यादव के स्मृति दिवस पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने निकाला जुलूस। गुलाबबाड़ी पार्क से निकले आजादी मार्च में पार्टी कार्यकर्ता गगन भेदी नारे लगाते हुए शहर के प्रमुख चौराहों से होते हुए गांधी पार्क पहुंचकर राम तीर्थ पाठक की अध्यक्षता में सभा आयोजित हुई। बुलंदशहर में तेज रफ्तार बाइक सवारों में जोरदार हुई भिड़ंत, गंभीर रूप से हुए दोनों घायल। एक्सीडेंट की सूचना पर पहुंची पुलिस, पत्रकारों की सहायता से पुलिस ने दोनों घायलों को भेजा CHC। प्रयागराज में विकास भवन के गेट पर महिला चलते हुए अचेत होकर गिरी, स्थानीय लोगों के अनुसार महिला ने पी रखी थी सिगरेट। महिलाओं में बढ़ती नशे की आदतों के कारण परिवार हो रहे असुरक्षित, तो महिला के साथ बच्चे की भी यही स्थिति देखने को। प्रयागराज में आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रयागराज पुलिस की अनोखी पहल, गिटार बजाकर दरोगा ने लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाई। प्रयागराज से मेजर थाने में तैनात हैं दरोगा सचिन देव वर्मा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।